अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट मोबाइल रिपेयर में और एक नई वीडियो के साथ में। तो आज मेरे पास है Redmi का 9A जो कि फुल वाटर डैमेज था, आईसी लगाने पर ऑन हो गया था, बट चार आईसी में मैं चेंज कर चुका हूँ, सेट थोड़ी देर चलता है डेड हो जाता है। तो आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो सोचा कुछ नया होगा इसमें तो आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए। तो देखते हैं इसमें आखिरकार क्या प्रॉब्लम निकलती है, क्या इश्यू है इसमें जो आईसी लगाने पर बार बार शॉर्ट हो जा रही है। और बने रहे आप वीडियो पर, अगर आप एक नई टेक्निक नई नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं पहले इसे अपना मल्टी चार्जर पे चेक करूंगा कि इसमें आखिरकार ये एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है। लगा लेते हैं बैटरी के फ्लक्स को, तो देखते हैं कुछ एम्पियर लेगा या नहीं लेगा। तो देखिए 0.6 एम्पियर ये ले रहा है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं थ्री नंबर पे 0.6 एम्पियर ये ले रहा है। तो ये MMC की ब्लीडिंग हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हम इस सेट को पूरा डायग्नोस करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसमें आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए अभी तो इसमें कोई वाटर नहीं है क्योंकि मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। अब इसे डायग्नोस करेंगे, निकाल लेते हैं बोर्ड को फ्रेम से बाहर और फुल डायग्नोस करेंगे, फुल इसकी चेकिंग करेंगे इसमें आखिरकार ऐसा क्या मामला है इसमें जो कि ये बार बार आईसी को शॉर्ट कर दे रहा है, और कौन सी लाइन इसकी शॉर्ट हो रही है। आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए और फुल वीडियो को वॉच करिए। तो इंशाल्लाह आपको आगे जो प्रॉब्लम इसमें मैं बता रहा हूँ उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए वाटर डैमेज सेट था ये देखिए मैंने कुछ पिक डाली हैं, तो इतना इसमें वाटर लगा हुआ था। तो चलिए अब देख लेते हैं, पहले इसका जियार ले लेते हैं हम, आखिरकार कोई लाइन शॉर्ट है क्या है। तो ले लेते हैं अच्छे से जियार, इसका कोई लाइन हमें शॉर्ट नहीं मिलती है, क्या मिलती है अगर कोई लाइन शॉर्ट नहीं मिलती और हमारा बक वोल्टेज अच्छे से बनती है तो फिर हम देखेंगे कि आखिर MMC का भी फॉल्ट हो सकता है अदरवाइज़। तो पहले हम बक लाइन को चेक कर लेते हैं, कोई इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, और हम इसको चेक कर लेते हैं तो ओहो ये यहाँ पर ये लाइन हमें शॉर्ट मिल रही है, तो ये लाइन हमारी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए जो कि मेरे ख्याल से 2.0 की लाइन है जिसको हम VS1 बोलते हैं, शायद VS1 लाइन है। बाकी और हम चेक कर लेते हैं इसमें कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है, एक लाइन तो हमें मिल गई, ये हमारी 1.8 की लाइन है ये वाली जो कि हमारा CPU में जाती है, अदरवाइज और चेक कर लेते हैं। और ले लेते हैं पावर IC के आसपास का ZR के कोई और कंपोनेंट तो हमें शॉर्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी तो कोई हमें और शॉर्टिंग नहीं मिली, और कोई शॉर्टिंग अभी तक नहीं है इसमें, और यहाँ भी नहीं है बक कन्वर्टर के पास में, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है अभी तक। तो सब GR हमें ओके मिल रहा है और कोई शॉर्टिंग हमें नहीं मिली है कोयल के वजह से। तो ये हमारा एक ब्लैक कलर का जो रजिस्टर लगा हुआ है ये बिल्कुल ही वाटर डैमेज से ब्लैक हो गया है। तो यहाँ भी देखिए GR 496 आ रहा है, तो ये लाइन मुझे जो है ओपन लग रही है ये लाइन, क्योंकि इतना GR यहाँ पर नहीं आना चाहिए जो कि मेरी नॉलेज कह रही है। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ तो कोई हमें शॉर्टिंग नहीं मिली, साइड तो जरूर प्रूफ करके चेंज करके चेक कर लेते हैं, तो अभी प्रूफ चेंज करके भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए एक बार हम अपने डायग्राम की ओर चलते हैं और देख लेते हैं प्रॉपर नॉलेज कि इसमें आखिरकार ये हमारा जो कैपेसिटर है ये कौन सी लाइन का है, सॉरी रजिस्टर है, कौन सी लाइन का रजिस्टर है। तो वेट करते हैं जब तक हमारा टूल ओपन होता है बोर्नियो स्कीमेटिक का, वेट करते हैं जब तक ये ओपन होता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि मेरी नेट की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो है। तो खोलते हैं 9A का इसमें स्कीमेटिक लेआउट खोल लेते हैं पहले, तो लेआउट खुल गया है, अब खोल लेते हैं स्कीमेटिक।
तो स्केमेटिक भी मेरा ओपन हो गया है, तो इन दोनों को कर लेते हैं कंबाइन, स्केमेटिक को भी और लेआउट को भी कर लेते हैं कंबाइन। उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार इसमें माजरा क्या है, ऐसा कौन सा लाइन ओपन हो गई है इसकी जो बार बार इसका VS1 लाइन यानी कि ये वाली लाइन इसकी शॉर्ट हो रही है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को की नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, वो बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए चलते हैं अपना स्केमेटिक की ओर। तो देखिए ये हमारी जो है एक लाइन है VS1 है जो कि बार बार शॉर्ट हो जा रही थी, और ये हो किस रीजन से हो रही है बार बार ये भी चेक करेंगे, और ये भी आपको बताऊंगा कि ये आखिरकार बार बार शॉर्ट क्यों हो रही है। बहुत बंदे इसमें परेशान रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो तो है लेकिन कोई प्रैक्टिकल के साथ इसकी वीडियो नहीं है। तो देखिएगा ये हमारी वी सिस्टम यानी 3.7 से लेकर 4.2 के बीच तक की ये हमारी वोल्ट आती है इस लाइन में, और देखिए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 0 ओम्स का रजिस्टर है, ये देखिए, और ये बहुत सारी लाइनों में बहुत सारे सेक्शन में जा रही है वी सिस्टम, वी कोर में, वी प्रोसेस, वी कोर इन, ये इन हो रही है यहाँ से। तो इसमें होता क्या है आखिरकार, ये देखिए वी सिस्टम SMPS, वी सिस्टम स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, ये रजिस्टर हमारा ओपन हो जाता है, इस रजिस्टर के ओपन होने से क्या होता है, जो हमारी वोल्टेज है वो अदर सेक्शन में एंटर कर जाती है, अदर सेक्शंस में एंटर कर जाती है, जिस कारण हमारा 2.0 की लाइन क्या होती है बार बार शॉर्ट हो जाती है इस रजिस्टर के ओपन होने की वजह से। देखो इतना डीपली नहीं समझा पाऊँगा लेकिन हमें काम करना है, बस बात समझ में आनी चाहिए कि किस रीजन से ये ऐसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की ओर। तो देखिए रजिस्टर लगा हुआ है तो इसको कर लेते हैं रिमूव, ऐसे ही तोड़ देते हैं, SMD से भी उतार सकते हैं लेकिन इसे आराम से बी केयरफुल, तो हम एक ट्वीज़र की सहायता से इसे निकाल लेंगे, दोनों ही को ही निकाल लेंगे, रजिस्टर को भी और कैपेसिटर को भी, क्योंकि ये तो दोनों कंपोनेंट मेरे हो गए हैं रिमूव, रजिस्टर भी और कैपेसिटर भी। तो अब हम अपना IC को भी कर लेते हैं रिमूव, क्योंकि ये शॉर्ट है इसमें हम कुछ भी रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमको रिप्लेस ही करनी पड़ेगी, इसका अब कुछ नहीं हो सकता है। तो फटाफट कर लेते हैं इस IC को रिमूव बोर्ड से झट से। तो IC हमारी हो गई रिमूव, और जो हमने कैपेसिटर निकाले हैं और रजिस्टर निकाले हैं उनको भी कर लेते हैं रिसोल्ड। इन दोनों को रिसोल्ड कर लेते हैं, और मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है तो मैं इस बोर्ड में से इन दोनों कंपोनेंट को निकाल लूँगा। वैसे तो आप उठा के किसी और बोर्ड से भी लगा सकते हैं, 0 ओम्स का रजिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे उससे आप किसी भी बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड पड़ा है तो मैं दोनों रजिस्टर भी और कैपेसिटर भी दोनों उसमें से निकाल के लगा लूँगा, क्योंकि वैसे तो रजिस्टर अगर ना भी लगाएं तो प्रॉब्लम, सॉरी कैपेसिटर अगर ना लगाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने ये कैपेसिटर दिया है तो ज़रूरी ही कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा ना, क्योंकि रजिस्टर को तो हम एक नॉर्मल मीटर से चेक नहीं कर सकते कि कितने वैल्यू का था या कितने फेरड का था। तो मेरे पास सेम बोर्ड रखा हुआ था तो मैंने उसमें से निकाल के मैं लगा दूँगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे कि कोई मोबाइल शॉर्ट हो जाता है आप उसमें से एक रजिस्टर शॉर्ट होता है वो निकाल के फेंक देते हैं, तो वो भी किसी सेम बोर्ड में से निकाल के लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने वो कैपेसिटर लगाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, वो पावर को कंट्रोल कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा ना। तो कोशिश ये करें कि जो भी हम कंपोनेंट निकाले बोर्ड में से वो ज़रूर लगाएं, कोशिश ज़रूर करें, नहीं है वो अलग बात है। तो चलिए एक बार दोबारा हम GR ले लेते हैं, जो कि हमारा VS1 की लाइन शॉर्ट थी, अभी भी वो शॉर्ट है या नहीं है। तो देखिए अब इस लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि हमारा जो पावर IC थी MT6357 CRV वो शॉर्ट हो जाती है बार बार। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि ये B2 पे ये लाइन जाती है हमारी V सिस्टम की,
तो देखिए ये भी B2 पे जा रही है हमारी ऐसी के B2 पेड़ पर। अगर ऐसी की पेड़ नहीं गिनना आता तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं एक वीडियो उसमें बता दूंगा कि ऐसी की पेड़ को हम कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए उस अब मैं ठीक से इसको चेक करता हूँ, ये B2 की लाइन पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसमें कनेक्टिविटी आ रही है, तो एकदम गुड कनेक्टिविटी है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जीरो का रिश्ता लगा हुआ है, तो दोनों तरफ बीप आएगी। और चलिए बोर्ड को अब कर लेते हैं क्लीन फटाफट और देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या कंडीशन रहती है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट मोबाइल रिपेयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच किया करें, जिससे आपको माशाल्लाह अच्छी नॉलेज मिलेगी। और बोर्ड की जब भी आप काम करें, तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, जब भी आप काम करें बोर्ड पे, तो अच्छे से क्लीनिंग काम करने के बाद अच्छे से क्लीन कीजिए बोर्ड को, गंदगी मत फैलाइए बोर्ड पर। क्योंकि बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं कि काम करने के बाद, आईसी लगाने के बाद उसे क्लीन ही नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मेरे पास नए नए के बोर्ड बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्क्रैप बोर्ड ही परचेस करता हूँ। तो देखिए एक बोर्ड और है मेरे पास नए नए का, तो इसमें से मैं इस पावर आईसी को निकाल लेता हूँ, MT-6357 CRV को, क्योंकि थोड़ा विश्वास सा बना रहता है कि ये ओरिजिनल आईसी है, बोर्ड में से निकाल के लगाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, सजेस्ट ये करता हूँ कि आप स्क्रैप बोर्ड खरीदिए अच्छी कंडीशन के, किसी अच्छे बंदे से कॉन्टेक्ट करिए, फ्रॉड बंदे से मत कॉन्टेक्ट कीजिए। एक फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, और वो चोर जो है अभी भी मुझे मैसेज करता है व्हाट्सअप बोर्ड केस में। तो देखिए ये ऐसी हमारी रिमूव हो गई है, कर लेते हैं इसको फटाफट हम रिबॉल। जब तक करते हैं रिबॉल, तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और रिबॉलिंग भी एक परफेक्ट रिबॉलिंग करिए, जब तक कि ना लगे आपको आपकी बॉल बिल्कुल लेवल में, एक लेवल में हो गई है, तब तक आप उसमें PPD फिलअप कीजिए एक बार दो बार, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रिबॉलिंग होगी, आपका आईसी आपके बोर्ड के सरफेस पे उतना ही अच्छा फिट होगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको रिबॉल, और हमेशा जब भी आप यूज करें तो 183 का ही यूज करें आईसी रिबॉलिंग में, और अदरवाइज CPU वगैरह MMC वगैरह रिबॉलिंग में, और 138 जो PPD होती है आप उसमें यूज करिए 138 का, टेम्परेचर लो करने के लिए। तो देखिए अभी कर लेते हैं एक बार क्लीनिंग इसकी, कि जो बॉल खाली जगह है वो निकल जाएगी और उसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, हम कांच की आईसी जो हैं, कांच की आईसी होती है, ये कांच की आईसी तो नहीं है, कि जब हम कटिंग करते हैं तो बॉल अंदर दबा के मारेंगे तो अंदर घुस जाएगी और आईसी टूटने का हमारा उसमें बहुत चांस हो जाता है। तो आईसी हमारी रिबॉल हो गई है, थोड़ा वेट करते हैं ठंडा होने तक और करेंगे इसकी क्लीनिंग। और जब आप इसे बोर्ड पे लगाएं तो तब भी अच्छी से क्लीनिंग करके लगाएं। इसमें देखो कुछ रेशे से फंस रहे हैं, इसे निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए ये निकल गए हैं, तो देखिए एकदम परफेक्ट रिबॉल हो गई हमारी पावर आईसी। तो चलिए अपने बोर्ड की ओर चलते हैं और करते हैं इसे बोर्ड पर फिक्स, और फिर देखते हैं क्या कहते हैं इसके स्टार्स यानी कि सितारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू हैं, और जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको वीडियो लग रही है कि नॉलेजेबल वीडियो है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। एनीवेज
बाकी कोशिश करूँगा भविष्य में और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो लाए जाए, क्योंकि आजकल जो है टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का भाई। आपकी दुआओं से काम बहुत है। तो वेट करते हैं जब तक कि थोड़ा ठंडा होता है और उसके बाद करेंगे इसकी क्लीनिंग। अभी तक तो मैं रिलाइफ का थिनर यूज कर रहा हूँ, बाकी अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकते। तो देखिए अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो गई है। जो बीच में हल्का हल्का ग्लू या पेस्ट फंस कर रह जाता है तो उसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्लीनिंग हमारी हो गई है। ओके, तो एक बार हम फिर जीआर ले लेंगे। VS1 लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं आई। तो देखिए हमारा जीआर एकदम परफेक्टली ओके आ रहा है और हम ये सिस्टम की लाइन को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए 374 इसमें 75 के करीब जीआर आ रहा है, पहले 400 कुछ जीआर आ रहा था। तो ये लाइन हमारी ओपन थी। तो एक बार हम बक लाइन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये बक लाइन के कैपेसिटर हैं, ओके है, ओके जी आर है, ये सी लाइन का है और ये हमारी 1.8 की लाइन है जो कि सीपीयू में जाती है और ये भी ओके है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए अभी तक तो हमारा बोर्ड हमारी नॉलेज से एकदम, हमारे मीटर की नॉलेज से एकदम ओके हो गया है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए बोर्ड को कर लेते हैं फ्रेम में फिक्स और फिर देखते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। मोबाइल बने या ना बने डज नॉट मैटर, मैं पहले भी ये बात बोलता हूँ, आज भी ये बोल रहा हूँ, आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ काम कीजिए एक बोर्ड पर। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे CPU उठा दिया, MMC उठा दी, RAM उठा दी। तो देखिए मैंने चार्जिंग पे लगाया इसको और देखिए चार्जिंग Redmi का लोगो इसमें आ गया है, सिंबल आ गया है और देखिए ये हमारा 3 नंबर में 1.6 एम्पियर ले रहा है, यानी कि एकदम बिंदास एम्पियर ले रहा है 1.6, पहले 0.6 ले रहा था। तो देखिए सेट को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं कि कम्प्लीटली ऑन होता है या फिर लोगो वोगे पर स्टक रहता है। तो करते हैं वेट जब तक के ये कम्प्लीटली ऑन होता है। सेकंड लोगो आ गया है मोबाइल में MIUI, और ये सिर्फ इसी मोबाइल के लिए नहीं बताया हूँ, जिसमें भी MT-3567 CRV लगी हुई है ये प्रिंसिपल उन सब पर वर्क करेगा, ये सिद्धांत सब पर वर्क करेगा, वो आपका कोई सा भी ब्रांड का मोबाइल हो। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक के मोबाइल होता है कंप्लीट ऑन और देखिए माशाल्लाह हमारा मोबाइल जो है कम्प्लीटली ऑन हो गया, टच वर्क कर गई है ठीक है और अब परफेक्टली ये अच्छा चलेगा आशा करता हूँ मैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, शुक्रिया भाई लोगों।